जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप्स के रिगार्डिंग एक समस्या है जहां पे बच्चों को स्टेटस में ये दिखा रहा है, बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट बट यूआईडी इज इनवैलिड। ये समस्या क्यों है और इसका विकल्प क्या है और क्या ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। विदाउट बीपिंग अराउंड द बस, इधर उधर की बात किए बगैर सीधे मैं आपको एक स्टेटस दिखाता हूँ। ये स्टेटस पिछले साल की है। पिछले साल बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ये स्टेटस दिखाई दे रहा था, जहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि उसकी स्टेटस में ये चीज़ें साफ लिखी हैं। वेरीफाई तो हो गया था लेकिन उसका यूआईडी इनवैलिड बता रहा था। ये पिछले साल का स्टेटस है लेकिन उसी के नीचे आप देख सकते हैं उस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली थी, वो भी थोड़े बहुत नहीं, सीधा 54,000 रुपीज़, 3,000 स्कॉलरशिप और 51,000 रुपये उसका फीस रिफंड हुआ था। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन बच्चों का यूआईडी इनवैलिड है, यह रीज़न नहीं है कि इस वजह से आपको स्कॉलरशिप ना मिले। आप पिछले साल का स्टेटस देखें, यूआईडी इनवैलिड के बावजूद भी आपको स्कॉलरशिप मिला था। वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ जान जाइए कि यूआईडी इनवैलिड होता क्या और ऐसी समस्या क्यों है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं न्यूज़ एक आर्टिकल आपको दिखाना चाहता हूँ कि यूआईडी ऐसा क्यों है, उसके बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि जिला समाज का कार्यालय में आज तकरीबन 100 विद्यार्थी छात्रवृत्ति की राशि नहीं पहुँचने की शिकायत लेकर आ रहे हैं। यह विद्यार्थी पोर्टल पर जांच करते हैं तो इन्हें विभिन्न संदेश प्राप्त होते हैं, जैसे कि इसमें मुख्य क्या था, यूआईडी नेवर इनेबल और यूआईडी इनएक्टिव फॉर डीबीटी, और यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी बेस्ड ऑन अकाउंट बट यूआईडी इज इनवैलिड। यही वो समस्या है मैं जिसकी बात करूँ कि आपको यूआईडी इनवैलिड दिखा रहा है। अब इसके बारे में जिला समाज कल्याण ने हल क्या बताया, विकल्प ये बताया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को यह संदेश दिख रहा है वो क्या करें, वो खाते से आधार लिंक करा लें। हाँ, ये भी बात है कि आपका खाता आधार से लिंक होगा, लेकिन जरा सुनिए कि समाज कल्याण ने कहा गया कि जिन विद्यार्थियों को यह संदेश दिख रहा है वह खाते से आधार लिंक करा लें, साथ ही बैंक से डीबीटी विकल्प भी सक्रिय करा लें। डीबीटी विकल्प सक्रिय होने के 72 घंटे बाद खुद ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर आधार नंबर से धनराशि जमा या निकाल लें, इसके बाद खाते में छात्रवृत्ति छूट प्रतिवृत्ति धनराशि पहुँच जाएगी। सिंपल सी बात समझिए हुआ क्या है कि जिन बच्चों का ये दिखा रहा है यूआईडी इज इनवैलिड, इसका मतलब ये है कि उनके खाते में आधार लिंक नहीं है। और अगर आपका खाते में आधार लिंक है तो आप एक सिंपल सा काम करिए, ग्राहक सेवा केंद्र जहाँ पे होता है ना, तो वहाँ पे अपना अंगूठा आधार नंबर से एक बार पैसे निकाल लीजिए या पैसे जमा कर लीजिए। और यकीन मानिए अगर आपका ट्रांजेक्शन चल रहा है, अगर आप अंगूठे से आधार कार्ड से पैसे निकाल रहे हैं, मतलब आपका यूआईडी सक्रिय है और इस मामले में, इस केस में आपकी छात्रवृत्ति आएगी, 101% आएगी। मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया, इस बार भी दिखाता हूँ। ये वो बच्चे हैं जिनको दिखा तो रहा था कि यूआईडी इनवैलिड, लेकिन इसके बावजूद भी आप नीचे देख सकते हैं कि इनके छात्रवृत्ति आई है और पैसे भी पूरे रिफंड हुए हैं। तो बिल्कुल मत घबराइए, अगर आपका अकाउंट एक्टिव है, अगर आप आधार से पैसे निकाल पा रहे हैं और यूआईडी इनवैलिड दिखा रहा है, अगर आपका अकाउंट एक्टिव है, केवाईसी करा लिया आपने, आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है आधार के थ्रू, इसका मतलब आपका यूआईडी एक्टिव है और आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो ये बच्चे जिनका ये दिखा रहा था उनको घबराने की जरूरत नहीं है, पैसे आपके अकाउंट में जरूर आएंगे। तो ये छोटी सी सूचना थी दोस्तों, जैसे ही अगर खबर आती है मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों से शेयर कर सकते हैं और वीडियो से जुड़े रहिए, और भी किसी प्रकार की समस्याएँ हों उस पर वीडियोज़ इस चैनल पर आते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।